ईवी का बाजार दिनों दिन बढ़ रहा है, ये जिसे चलते हैं यानी इनकी बैटरी। ऑब्वियसली इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकी डिमांड कंप्लीट होती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बैटरी लिथियम की है और लिथियम भारत में ज्यादा मात्रा में पाया नहीं जाता, तो इनके सेल प्रोडक्शन भी अभी यहाँ ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन अब लिथियम सेल की इतनी बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है भारत में, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन रातों रात डबल हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी राजेश एक्सपोर्ट के किंग है, होलसेल रिटेल तक में इनका बिजनेस है। इन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें राजेश एक्सपोर्ट कर्नाटका में 5 GWh लिथियम आयन सेल फैक्ट्री लगाएगी, जो भारत के मेड इन इंडिया मिशन को बूस्ट करेगा। इस PLI स्कीम में राजेश एक्सपोर्ट के अलावा 2 और बड़े पार्टिसिपेंट्स भी थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओला इलेक्ट्रिक। टोटल बजट 18,100 करोड़ रुपए का PLI स्कीम के अंदर था, जिसमें ये कंपनीज देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज राजेश एक्सपोर्ट को पूरी तरह सपोर्ट करेगी इस 5 GWh लिथियम सेल फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। इसी के साथ राजेश एक्सपोर्ट का भी यही कहना है कि वो इस फैक्ट्री को फाइनेस्ट और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ बनाएगी। राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर है और दुनिया का 35% सोना यहाँ पे प्रोसेस होता है। राजेश एक्सपोर्ट सिर्फ गोल्ड माइनिंग में नहीं, बल्कि इनका खुद का रिटेल ब्रांड भी है और वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक्सपोर्टर भी है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो पिछले साल अप्रैल 2022 में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था कि वो कर्नाटका में 60 बिलियन का निवेश करेगी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री को सेट करने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में किस तरह फ्यूचर देख रही है और बड़े निवेश कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।